गरीबी हटाव झुकी झोपड़ी नंबर 2 में बीजापुर रोड में रहते हैं, इनको भी आज खुद का मकान प्राप्त हुआ है। और मैंने जैसे कि बताया कि इस योजना की परियोजना की ये विशेषताएं हैं कि घरों की मालकियत हमारी माओं के बहनों के नाम पर की गई है। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 19 जानेवारी रोजी म्हणजे काल सोलापूर दौऱ्यावर होते। कुंभारी येथील रेनगर गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या लोकार्पण सोहळा त्यांच्या शुभ हस्ते पार पडला। 15,000 घरे या ठिकाणी बांधून तयार आहेत। या रेनगरचे सर्वे सर्वा आडम मास्तर यांच्या संकल्पनेतून ही घरकुल या ठिकाणी उभी झालेली आहेत। ज्या 5 लाभार्थ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते चावी देण्यात आलेली आहे, त्या 5 लाभार्थ्यांमध्ये विजापूर नाका यतीमखान्याजवळील मकानदार यांचा देखील समावेश आहे। पेशाने हे रिक्षा चालक आहेत। त्यांना नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रेनगर येथील घराची चावी मिळालेली आहे। नेमका त्यांचा अनुभव कसा होता आपण जाणून घेऊया या ग्राउंड रिपोर्टमधून। आपको पूरा नाम? मेरा पूरा नाम लाल मोहम्मद इस्माइल मकानदार है। हाँ। मैं गरीबी हटाव नंबर 2 से झोपड़पट्टी में रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं एक मालवाहक ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा। हाँ। तो मेरा एक छोटा सा परिवार है। अच्छा, कौन-कौन रहते हैं घर में? मेरे घर में मेरी मिसेज है और 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हाँ। और मम्मी पापा वगैरह है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी सोलापुर दौरे पर आए थे, उनके हाथों से आपको छवि मिली है, क्या लगा? पहले तो उनसे जब हमें मिलने के लिए कहा गया था थोड़ा डर महसूस हो गया, इतने बड़े आदमी को कैसे मिले, कब मिले। तो हमें बुलाया गया तो कॉल के ज़रिए से, तो मैं भी थोड़ा डगमगाया कि ऐसा भी हो सकता क्या। मुझे तो इतना यकीन नहीं आया, फिर भी कॉल आने के बाद थोड़ा सा दोबारा कॉल आने के बाद फिर मुझे यकीन आया कि मिलना है। तो फिर जब हमारे को बुलाया गया तो फिर नाम वगैरह लिया, आधार कार्ड वगैरह मांग कर, तो सारी सिक्योरिटी मतलब चेकअप वगैरह करके फिर उधर उनके पास गया। तो हमारा जब अनाउंसमेंट हुआ तो फिर हमें बुलाया गया, तो मोदी जी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। थोड़ा सा पहले दिन में ढकमका आई, तो इतने बड़े आदमी को आज फेस टू फेस देखना पड़ रहा है। तो आज तक मोबाइल में वगैरह देखते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे अच्छी बात की, क्या नाम आपका? मेरा नाम बताया, फिर कारोबार क्या करते हैं? मैं बोला गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद अच्छे से कमाओ, कुछ पैसा वगैरह मिलता क्या नहीं मिलता बोले। तो अच्छी बात की और मेरे को हिम्मत दिलाई, करते रहो बोल के। आपको कैसे मालूम पड़ा कि PM मोदी साहब के हाथों द्वारा आपको चाबी मिलने वाली है, कब मालूम पड़ा? मेरे को 2 दिन पहले बताया गया कि PM मोदी साहब के हाथ से आपको चाबी देना है। हाँ। आप क्या बोले, इसका फोन आया? हाँ, तो पहले तो मैं ज़रा घबराहट महसूस किया कि इतने बड़े आदमी से मैं कैसे थोड़ा चाबी लूँगा। फिर भी उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, तो मैं आगे बढ़कर हिस्सा लिया, उसमें मैं कामयाब हो गया और उनके हाथ से चाबी ली, बहुत खुशी हो गई मुझसे। क्या तैयारी की आपने 2 दिन में, या फिर वो लोग आए थे घर को आपके? हाँ, वो लोग आए थे, आकर थोड़ा सा देख कर गए, पूछे, बात वगैरह किए। हाँ। तो फिर आकर बात करने के बाद फिर तो मैं थोड़ी हिम्मत किया, फिर उनसे जो भी हो सका आगे का प्रोसीजर पूरा करके उनसे मुलाकात हो गई। 19 तारीख को आप कभी गए सभास्थल, वही लेके गए कि आप गए? हाँ, वो हमको यहाँ से अड़म मस्तर के ऑफिस में बुलाए। हाँ। दत्त नगर में। हाँ। तो वहाँ पे हमारा जाने का इंतज़ाम किए थे, गाड़ियाँ वगैरह थी, तो वहाँ से हमें वहाँ पर आगे पहुँचाया गया। कितना देर रुकना पड़ा आपको? हम सुबह यहाँ से 8 बजे निकले, तो तकरीबन फिर वहाँ एक आधा घंटा लगा हमको पहुँचने में। हाँ। फिर उसके बाद में 11:30 बजे तक हमें इंतज़ार करना पड़ा। हाँ, चेकिंग वगैरह बहुत सारी, 2-3 जगह चेकिंग की, फिर उसके बाद हमें आगे भेजा गया। हाँ। जब आपका नाम पुकारा गया आपको क्या महसूस हुआ? जब नाम पुकारा गया तो बड़ी खुशी महसूस हो गई, तो वाकई में उनसे मुलाकात करना है। तो हम जाकर फिर उनसे मुलाकात की है, फिर बहुत खुशी हो गई मुझसे। अच्छा, आपको क्या बोलेंगे, सिखाया गया था? नहीं, कुछ सिखाया तो नहीं गया था, बस आपको मोदी जी जो भी पूछेंगे आप उसका जवाब देना चाहिए। देना जी। जब आप स्टेज पे गए, जोड़ी से गए? हाँ, हम मियाँ बीबी दोनों साथ में गए जोड़ी से। हाँ। क्या पूछा मोदी ने आपसे? मोदी साहब ने वही पूछा, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा कि लाल मोहम्मद इस्माइल मकानदार है। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद पूछा आप क्या करते हो? मैं बोला गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ। तो उसके बाद पूछे कुछ पैसा वगैरह मिलता है उसमें? हाँ, मिलता है। बोले तो अच्छे से कमाओ, तरक्की करो बोल के मेरे को खांदे पर हाथ रख के थोड़ी देर बात की। तो मेरे मिसेज से पूछे कि आपने रूम देखा है, घर देखा है, सलाब के घर में कैसा लगा आपको? उन्होंने बात किया कि बड़ा खुशी महसूस हुई हमें आज। आप पूरी दुनिया मोदी जी उनको देखते हैं,
उस प्रोग्राम में आपको भी पूरी दुनिया ने देखा है, तो आपको कैसा लगता है? बड़ी खुशी महसूस हुई आने के बाद तो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, और जब से टीवी में जब लाइव चालू था तो बहुत सारे कॉल मुझे आ रहे थे। हाँ। तो अरे हमको यकीन नहीं आ रहा तू ही है, तो बहुत खुशी हो गई। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए तो मुबारकबाद भी दी, हम सोचे थे भी नहीं, रिश्तेदार वगैरह बहुत सारे दूर दूर से भी कॉल आए, तो बड़े खुशी महसूस की, अच्छा किया तूने गया। तो हमारे मकानदार का नाम थोड़ा सा पूछे कि नहीं कैसा गया तू वहाँ तक? हाँ, कुछ लोगों ने पूछा कैसा गया, हमको भी बताना चाहिए था। हमें बोला 15,024 घरों में से मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसमें से चुना गया और मुझे उनके तक पहुँचाया गया। आडम मास्टर साहब का भी? हाँ, आडम मास्टर साहब कलबुर्गी साहब ने जो मेहनत की, जो हमें जो वादा किया था, उन्होंने हमारा वादा पूरा किया और हमें एक रहने के लिए एक सहन दिया, रहने के लिए एक घर आपको मकान मिला है, क्या आपकी खुशी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी हुई के बहुत खुशी हुई। आप जब स्टेज पे गए क्या पूछा मोदी ने आपसे? बेटी घर देखा है नहीं पूछे? हाँ। बढ़िया है क्या पूछे? हाँ। तो हाँ बोले अच्छे हैं। डर लगा आपको जाते समय? बहुत डर लगा था। हाँ। जब बात करे तो फिर कुछ ये महसूस नहीं हुआ। जब नीचे थे स्टेज के तो जो उनके साथ में बॉडी वगैरह जो रहते हैं पुलिस स्क्वाडर जो भी, वो ऐसा बता रहे थे कि उनके नज़दीक नहीं जाना, उनसे ज़्यादा हाथ मिलाने का नहीं, ऐसा ऐसा हमसे कहा था कि हाँ हाँ उतना ही जवाब देना। फिर भी हमको डर लगा था, कहीं हम घबराहट की वजह से कहीं कुछ करना बैठे, ऐसा डर लगा था। लेकिन जब वो बात करे तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहा मोदी ने आपसे? बेटी घर के कैसा है, घर बढ़िया है क्या पूछे? हाँ, तो बहुत ही बढ़िया था। हाँ, आपको यकीन हो रहा है आप मोदी से मिले? यकीन तो नहीं हो रहा था। आज तक तो हम टीवी चैनलों पर देखते थे, हाँ इसमें ही देखते थे, लेकिन जब हूबहू देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें प्रधानमंत्री से मिले, ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो ऐसे ही मोदी सरकार मुस्लिम समाजवादी का भी साथ दें, सबका साथ सबका विकास, ये नारा जारी रखें। जब आपको सभा स्थल पर ले जाया गया सुबह, आप बोल रहे हैं कि 8 बजे गए, तो 8 बजे से लेके आपको चाबी मिलने तक क्या दिमाग में था? बहुत घबराहट हो रही थी, पुलिस की चेकिंग वगैरह हो रही थी और बॉडीगार्ड वगैरह थे पीछे, और जब हर जगह पुलिस वगैरह देखकर हमें जरा डर महसूस हो रहा था, एकदम पसीने पसीने छूट रहे। जब चाबी ली तब क्या महसूस? बहुत खुशी महसूस हुई, हम सोचे नहीं थे कि सरकार, राज्य सरकार, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके हाथों से चाबी मिली। जब इसके उद्घाटन करने का जब ओपनिंग की भी थी, हाँ। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसकी गारंटी दिए थे, हाँ। तो वो गारंटी भी आज पूरी कर रहे थे, और चाबी भी हाँ चाबी भी दिए। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, जब आप चाबी ली है तो आपके जो रिश्तेदार है, दोस्त है, उनका क्या कहना है, रिएक्शन क्या है? उनका सबका कहना है कि आज तक नेता से कोई मिले नहीं, लेकिन हमारे घर की बेटी बहू गए, हाँ मिली, हाँ फख्र महसूस कर रहे हैं। सबके कॉल चालू है कल से। हाँ, जब आप सवेरे जाने वाले थे उस समय रात में आप नींद आई आपको? मोदी को मिलना है कल, मोदी सामने जाना है। हाँ जी, मुझे तो थोड़ा सा रात में जब बुलाया गया, मतलब रात से थोड़ा सा रात को मुझे बुलाया गया तो फिर रात भर थोड़ा सा दिमाग में वही था, तो जाकर उनसे मिलना है, बात करना है, तो जरा कितने बजे उठना है। हाँ, तो मेरे मिसेस तो पहले नहीं उठ रहे थे, मैं उनको बोला जो वक्त पर बुलाया गया मैं वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि हमें एक घर मिलने वाला है। इतने साल तक हम पतरे के घर में रह रहे थे, बारिश में, धूप में, सर्दी में बड़ी तकलीफ होती थी। गर्मियों के दिनों में शोलापुर की गर्मी ज़रा ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़रा गर्मी बहुत होती है, तो बड़ी दिक्कत थी। तो फिर सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पत्रों के घरों में, तो फिर मैंने कहा कि आज हमें बुलाया गया है तो हमें तैयारी कर अच्छे से जाकर वो मतलब उसको पूरा अपनी कोशिश से पूरा करना। एक सपना देखा था कि खुद का घर हो आडम मास्टर के रहने का। हाँ, वो पूरा हो रहा है। हाँ, कलबुर्गी मैडम आडम मास्टर, हाँ, जब भी हमें मीटिंग वगैरह के लिए बुलाया करती थी तो हम वहाँ पर शामिल होते थे। हाँ।
और जब हमें फाइल बनाई गई थी हम सोचे नहीं थे कि हमारा रेनगर का घर मिलेगा। बहुत से लोग बोले हमें बहुत साल से भर रहे, बहुत दिनों से भर रहे, ये बोलते करते नहीं। फिर हमें भी रहने दे, जो है करने वाला ऊपर वाला है। तो सरकार हाँ सरकारी काम देर है दुरुस्त है सरकारी कामों में। तो ऐसा ही वो मसला आज पेश आया था। कितने सालों से आप इस पचरे के घर में रहते थे? जो अभी 10x10 का है, कितना है? कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? अभी 13 साल हुआ शादी होके। तो इतने ही छोटे घर में आपका परिवार रहता है? हाँ हाँ, इसमें ही आप तकलीफ बरसात धूप में? हाँ, इसी में बताया हमारा। तो अभी खुशी है कि जाके सलाब के घर में रहेंगे। हाँ। और मेरी माँ की दुआ है कि मुझे सबसे अच्छा, नीचे हाँ। का फ्लोर मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेरी माँ की दुआ से मुझे नीचे का फ्लोर मिला है। तो सबसे पहले हम बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं मोहल्ले में, आप जब आए चाबी लेके चाबी मोदी ने दी है, क्या करें? हाँ, बड़े लोग खुश हैं कि हमारे 2 नंबर के आप चुने गए थे। बहुत खुशी थी, सब ने मुबारकबाद दी और सब ने मुझे बहुत अच्छा बातों से ये हिम्मत दिलाई। मोदी जी जब बात की आपको कैसा लगा? वो भी एक इंसानी है, कैसा लगा? हाँ। नेचर कैसा लगा? नहीं, अच्छी बात की है। अच्छी बात की। हाँ। अच्छी। कितने आप कितने सालों से रिक्शा चलाते? मैं तकरीबन अभी 8-10 साल से रिक्शा चलाता हूँ। मोदी को मिलने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं, जो अपन अखबार न्यूज में देखा करते हैं। आप उनको आमना सामना हुआ? हाँ, मोदी साहब से मिलने के लिए तो बहुत से लोग तरसते हैं, लेकिन उतने बड़े आदमी को मिलना इम्पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमें मिल सके, हम 15,024 घरों में से हम 3 खुशकिस्मत हैं कि हम जाकर उनसे मिला। आपको जो घर मिला उसमें क्या क्या है आपने देखा? हाँ, वो 300 स्क्वायर फीट में बना है। तो उसमें एक हॉल है, एक किचन है, एक बेडरूम है, तो संडास बाथरूम वगैरह है। तो एक छोटा सा परिवार अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता है। कब आप रहने जाएंगे उधर? मास्टर क्या बोले? अभी कुछ बताए नहीं, जल्द ही जाएंगे। अच्छा, जल्द जाएंगे। इंशाल्लाह तुम्हारे सास को भी लेके जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह सबको। खुशी हो रही है? हाँ, खुशी बहुत अच्छी खुशी हो रही है हमें। हाँ, मास्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, कड़गुरु के मैडम का और मास्टर साहब का, जो हमारे लिए 14 साल से जो हमें मेहनत कर रहे थे। मतलब जब मोर्चे वगैरह निकाले, आंदोलन निकाले और जिला परिषद में बहुत सारी अपील की, तो जब जाकर ये सारी मेहनत और कोशिशों के बाद ये हमें मिला है, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया, बहुत मेहनतों के बाद ये मकाम आज हमको मिला है। अच्छी प्रतिक्रिया मकानदार ये व्यक्त करता है। पेशाने ते रिक्शा चालक आहेत किंवा छोटे मोठे ते गाडी वाहन चालवतात। अनेक वर्ष या छोट्याशा इमारतीमध्ये त्यांचा संसार सुरू होता। तुम्ही पाहू शकता की पत्र्याच्या घरामध्ये, छोट्याशा घरात त्यांच्या मुलांना घेऊन ते आपल्या पत्नीसोबत, आपल्या आईसोबत राहतात। अनेक वर्षानंतर त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते चावी मिळालेली आहे। निश्चितच ते भविष्यात त्या बंगल्यामध्ये, त्या स्वप्नाच्या घरामध्ये जाणार आहेत। आणि नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते चावी मिळाल्याचा एक आनंद या मकानदार परिवारावर, मुस्लिम जे आहेत रिक्षा चालक त्यांच्या चेहऱ्यावर या ठिकाणी दिसत आहे। त्यांची पत्नी असेल, मुलं असेल, आई असेल, सर्वांवर आनंदाचं एक स्मित हास्य या ठिकाणी दिसून येत आहे। निश्चितच या सर्व यशामध्ये माजी आमदार आडम मास्तर यांचा फार मोठा वाटा आहे। कलबुर्गी मॅडम त्यांचं नाव घेत आहे, त्यांचं देखील वाटा आहे। सर्वांच्या संघर्षाला यश आलेलं आहे आणि एक सोलापुरातील मुस्लिम समाजातील मकानदार परिवाराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते चावी मिळून त्यांचा एक स्वप्नातील घर या ठिकाणी त्यांना मिळालेलं आहे। कॅमेरामॅन जहूर साहेबसोबत अकबर बागवान, लोकप्रधान न्यूज, सोलापूर।